शाहरुख खान और सुहाना खान की अपकमिंग फिल्म को कर दिया गया होल्ड। क्या है इसके पीछे की वजह? फिल्म आर्चीज का हुआ बुरा हाल। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को 2024 में बड़े पर्दे पर दोबारा देखने के लिए फैंस काफी बेताब दिखाई दे रही है। साल 2023 में बॉक्स ऑफिस पर जलवा दिखाने वाले शाहरुख का नाम 2024 में कई फिल्मों के साथ जुड़ रहा है, लेकिन अभी किसी को लेकर कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। इन सबके बीच एक बुरी खबर सामने आ रही है, उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म को बंद कर दिया है। इस फिल्म में SRK अपनी बेटी सुहाना के साथ नजर आने वाले थे। आपको बता दें कि ये पहली बार होता जब किसी फिल्म में बाप बेटी साथ में काम करते। दोनों की इस फिल्म के ठंडे बस्ते में जाने की वजह भी सामने आ गई है। तो चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह। साल 2023 शाहरुख खान के लिए काफी खास रहा। किंग खान ने साल 2023 में एक के बाद एक 3 हिट फिल्में दी। साथ ही साथ उनकी बेटी सुहाना ने एक्टिंग की दुनिया में कदम भी रखा था। सुहाना ने फिल्म द आर्चीज से डेब्यू किया। वहीं इसके बाद खबर आई थी कि शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान और सुहाना खान की जो फिल्म आने वाली थी, अब फिल्म द आर्चीज के बाद उनको अब होल्ड कर दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि ऐसा अभी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें शाहरुख और सुहाना नजर आने वाले हो। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि शाहरुख अपनी बेटी को अपने स्टारडम पर हिट नहीं करना चाहते हैं। किंग खान चाहते हैं कि उनकी बेटी अपने दम पर चले। सुहाना खान और खुशी कपूर की फिल्म द आर्चीज लोगों को काफी पसंद आई थी। इसमें सुहाना खान की एक्टिंग को लोगों ने पसंद नहीं किया। फिल्म द आर्चीज को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था। ऐसी मूवी न्यूज़ अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को भी सब्सक्राइब करें।